हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बायोकॉन। बायोकॉन अगर आप देखिए, एक फार्मास्यूटिकल की एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत बढ़िया कंपनी है। तो आज की डेट में इस शेयर में काफ़ी हलचल देखने को मिली, और वो हलचल ये थी कि कल जब ये ट्रेड कर रहा था तो 540 550 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, और आज की डेट में ये शेयर 257 के लेवल पर आ चुका है। एक सिंगल डे में इतना जबरदस्त गिरावट, आप सोच रहे होंगे इसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए जानते हैं उस कारण को, और थोड़ा सा जानते हैं बायोकॉन के टेक्निकल और फंडामेंटल एस्पेक्ट से शेयर को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो आप ये देखिए, ये शेयर कहाँ 540 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 550 के आसपास, और आज की डेट में 257 के आसपास जा चुका है। अगर आप पिछले कुछ टाइम में देखें, यानी कि 2018 में इसकी जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई थी वो 550 से लेके 700 के आसपास इसने ट्रेडिंग करी थी, लेकिन अचानक इस शेयर में गिरावट आ गई। और वो गिरावट का रीजन क्या है, पूछ रहे होंगे कि भैया कैसे इतना जबरदस्त रेड कैंडल, इतनी बड़ी रेड कैंडल का कारण क्या है, वो बता दीजिए। चलिए उसको भी बताते हैं। उससे पहले आपको देखिए, बायोकॉन लिमिटेड एक जबरदस्त फार्मास्यूटिकल कंपनी, में इसको कहता हूँ 257 का प्राइस, आज की डेट में 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए, इस स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है गिरावट का, वो ये है बोनस। अब आप सोचेंगे भाई बोनस से गिरावट कैसे, तो ये है कि आज की डेट जो इसकी थी 13 जून की इसकी रिकॉर्ड डेट है, और आज की डेट जो इसकी थी वो क्या थी, एक्स बोनस डेट। और जब भी किसी स्टॉक की एक्स बोनस डेट होती है तो वो स्टॉक उस दिन एक्स बोनस डेट के दिन, जैसे कि 1:1 का बोनस है, 1:1 का बोनस है, अगर इसका प्राइस यहाँ पे 100 होता और एक्स बोनस डेट के दिन ये कितना गिर जाता, ₹50 का इसका प्राइस हो जाता, सुबह ओपन ही ₹50 का होता, और एक्स बोनस डेट से पहले का प्राइस कितना अगर ₹100 है। तो अब बात आती है ये ₹50, लेकिन और बाकी का जो हलचल है, गिरावट है, ये उससे ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन सुबह ओपन ये 50 के आसपास ही होगा। तो ये आपने देखा, अब रिकॉर्ड डेट है, अगर आपके पास ये शेयर कल के पूरे दिन रिकॉर्ड डेट के दिन रहता है, आपके नाम रहता है ये शेयर, तो आपको बोनस मिलेगा। मतलब जैसे कि आपके पास अगर 100 शेयर थे तो आपको 100 और मिल जाएंगे बायोकॉन के, ये ध्यान रखिए, लेकिन वो अभी नहीं मिलेंगे। अभी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे तो आपको लग रहा होगा यार शेयर तो इतने हैं, प्राइस हाफ हो गया, मुझे तो लॉस हो गया, मेरा तो प्राइस नेगेटिव में चला गया। तो मैं कहूँगा घबराइए मत, 15 से 20 दिन के अंदर आपके अकाउंट में 100 शेयर अगर आपके पास हैं तो 100 और आ जाएंगे जो बोनस के हैं, क्योंकि बोनस कितना है 1:1 का, इस बात को ध्यान रखिए। और अगर आपको इन चीज़ों की रिकॉर्ड डेट, बोनस रेशियो, एक्स बोनस डेट, ये क्या होती है, इनकी क्लैरिटी चाहिए, इन पे कन्फ्यूजन है, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं वीडियोस के, उनको देखिए, उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए अभी हम बात कर रहे थे बायोकॉन की। बायोकॉन का आपने डिटेल देखा अब तक, बहुत ही बढ़िया शेयर है, और ये जो प्राइस है, जो अभी ये गिरावट देखने को मिल रही है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में। एडजस्ट हो जाएगा मतलब अब इसका प्राइस जो है ये 257 के हिसाब से चल रहा है, जो ये 600-700 का प्राइस आपको दिख रहा है, ये अपने आप ही एडजस्ट यहाँ पे हो जाएगा, और सारे चार्ट्स अपने आप से कल परसों से आपको एडजस्टेड मिलेंगे सारी जगह पे। लेकिन ये शेयर मैं कहूँगा अभी के टाइम पे, अगर आप देखोगे इसको, शेयर को थोड़ा सा नीचे जरूर है आज की डेट में भी, इसमें अगर सिंगल डे का अगर आप चार्ट देखोगे तो काफ़ी गिरावट देखने को मिली इस एडजस्टमेंट के बाद भी। जब एडजस्टमेंट हुई, सुबह ओपन हुआ, देखिए 270 के आसपास ओपन हुआ, जो 540 का हाफ था 270, तो उसके आसपास ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक ने करेक्शन में चलता रहा, और शाम को होते होते ये 256 के आसपास बंद हुआ है। तो अब इसकी जो प्राइस की ट्रेडिंग चलेगी वो इसी 200 की रेंज में धीरे धीरे चलती रहेगी। हमने किसकी बात करी थी, बायोकॉन की। बायोकॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी, जबरदस्त। अब इसकी और डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करते हैं, अभी इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया था, जो इसने अप्रैल के रिजल्ट में डिविडेंड अनाउंस किया था, वो ₹1 का डिविडेंड है, और वो डिविडेंड की डेट कौन सी है, एक्स डिविडेंड डेट कब की है, 18 जुलाई की, इस बात को भी ध्यान रखिए। और दूसरी बात, जैसे बोनस की तो हमने बात कर ली, साथ में हम जानते हैं इसके मेन प्रमोटर कौन है। देखिए प्रोमोटर किरण मजुमदार शॉ, इनकी मेन इसमें प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, ऑलमोस्ट 40% के आसपास है ये, और JMM शॉ इनकी 0.7% होल्डिंग है। इस तरीके से अलग अलग इसमें कई मजुमदार जी, जैसे यामिनी मजुमदार, देव मजुमदार, ये सारे छोटे मोटे प्रोमोटर हैं। मेन प्रोमोटर जोन है किरण मजुमदार शॉ एंड ग्लेंटिक इंटरनेशनल, जिसकी 19.77% होल्डिंग है। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि प्रोमोटर होल्डिंग ओवरऑल 60.77% है, लेकिन
मेन में यहाँ पे जो चीज देख रहा हूँ वो इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए, 905 करोड़ का प्रॉफिट शो किया इसने मार्च वाले क्वार्टर में। बहुत बढ़िया जी, प्रॉफिट तो अच्छा दिखाया आपने, तो थोड़ा और डिटेल देखते हैं इसकी। अगर आप यहाँ पे moneycontrol.com पे भी इसके फाइनेंशियल्स में जाके डिटेल देखें तो किस तरीके से इसने प्रॉफिट दिखाया है। चलिए अब मैं आपको आगे और लेके चलता हूँ, वो ओवरऑल ईयर का प्रॉफिट था पूरा। देखिए इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट दिखाया वो कितना है, 70 करोड़ का प्रॉफिट है मार्च में, जो कि पिछले क्वार्टर में 72 करोड़ था, उससे पहले देखिए 119 करोड़ था। और अब डिटेल और अगर हम देखें इसकी, क्या डिटेल देखते हैं, बड़े जो फंड हाउसेस है कौन है बड़े पब्लिक वाले, तो देखिए एक है ओपनहाइमर डेवलपिंग मार्केट्स फंड, इनका 4.08% होल्डिंग है। टोटल स्टॉक्स जो है वो 2 करोड़ 45 लाख के आसपास है। और अरुण सुरेश चांदवाकर जी, इनके 66 लाख शेयर्स इनके पास हैं। तो इस तरीके से ये इसके मेजर शेयर होल्डर। हमने बात करी यहाँ पे बायोकॉन के शेयर के, जिसमें जबरदस्त फॉल तो देखने को मिला, उसका कारण आपने क्या देखा, बोनस की एक्स बोनस डेट आज थी। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।